अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर में पहला टॉपिक अल्कोहल एंड फिनॉल्स था, अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होपफुली आप पढ़ के आए होंगे, फिनॉल की भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। एक एक दो दो क्वेश्चन सिंपल पहले पूछ ले रहे हैं। बताओ बेटा डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल कैसे बनेंगे? एने कहां से आएगा, सोडियम कहां से आएगा? डाइजोनियम सॉल्ट होता है N2Cl, और वाटर से वार्म करते हैं तो फिनॉल बन जाते हैं, ठीक है। बताओ बेटा बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे? वेरी बैड, बेंजीन की पहले सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके सल्फोनिक एसिड बनेगा, उसकी NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे ONA, और फिर वाटर से हाइड्रोलिसिस तो फिनॉल बनेगा। याद करके बैठिए बेटा, ऐसे कैसे फायदा है, ठीक है। जो कल पढ़ाया है वो भी आपको याद नहीं है, कैसे काम चलेगा। बताओ बेटा फिनॉल बनाने का तीसरा मेथड था एक क्यूमीन से, वो कैसे था? गलत बात है बेटा, क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे, क्यूमीन परऑक्साइड बनाती है या हाइड्रोपरऑक्साइड, और वो हाइड्रोलिसिस पे फिनॉल देता है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है? वेरी बैड, क्लोरोबेंजीन से डॉज प्रोसेस होता है, वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर लेते हैं, नियरली 600 केल्विन, 620 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो फिनॉल बनता है। अब आप याद करके नहीं बैठे हो तो मुश्किल होगा ना, याद करिए बेटा। अल्कोहल और ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? याद करिए, अल्कोहल का ज्यादा है क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर में नहीं है। अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा है? अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एल्डिहाइड कीटोन और ईथर मतलब कार्बोनिल कंपाउंड और ईथर, अब किसका ज्यादा है? नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड को एक साथ बोलिए, अभी एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग मत करिए। कार्बोनिल और ईथर में किसका ज्यादा है? गलत, कल पढ़ाया था कार्बोनिल में पाई बॉन्ड होता है, टूट जाता है, मोर पोलर हो जाता है, ईथर लेस पोलर है, याद करो बेटा। एल्केन और ईथर में किसका ज्यादा है? एल्केन नॉन पोलर होते हैं, उनका सबसे कम है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पढ़ा था। बताओ बेटा अल्कोहल केमिकल बिहेवियर में ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल से, ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अल्कोहल के पास लोन पेयर भी है और पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है, तो हमने सबसे पहले रिएक्शन पढ़ी थी H हटने वाली। बेटा अल्कोहल की जो H हटने वाली रिएक्शन है उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव था इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की वजह से। और रिएक्शन हमने सोडियम से NaOH से पढ़ ली थी, लेकिन इसकी मेन रिएक्शन जो थी वो है एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। मेन रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन वाली जो है दैट इज एस्टेरिफिकेशन। वॉट इज एस्टेरिफिकेशन बच्चों? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो ये जरा ध्यान रखिएगा, एसिड का OH और अल्कोहल का H हटता है मेनली। तो जिसका मैकेनिज्म है जो एसिड चैप्टर में दिया भी है बाद में, तो ये एस्टर्स बनते हैं, और इस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल का H हटता है एसिड का OH। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों, तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल एंड सो ऑन, अगर ऐसे अल्कोहल हैं तो कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो आपका आंसर आएगा मिथाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल के H हटने वाली रिएक्शन है, इसका अगर H हट रहा है तो मिथाइल अल्कोहल का H सबसे जल्दी हटेगा, लाइटर द अल्कोहल, या ये कहें कि इस रिएक्शन में RO नेगेटिव ग्रुप आ रहा है एक तरीके से इंटरमीडिएट पे, तो जितना R ग्रुप छोटा होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। और यहाँ पे अगर एसिड को भी देखेंगे, ये एसिड चैप्टर में आपको प्रूफ करा दूंगा कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड सो ऑन, अगर एसिड में देखें कौन एसिड ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ अल्कोहल भी लाइटर चाहिए होता है, प्लस आई इफेक्ट कम चाहिए होता है, और एसिड में भी प्लस आई इफेक्ट कम होगा, ठीक है। तो याद, ये अभी एसिड में पढ़ा दूंगा ये ऐसा क्यों हुआ, अल्कोहल में पढ़ाई दिया गया है कि यहाँ RO नेगेटिव या एसिडिक करेक्टर देखना है, और एसिडिक करेक्टर तब ज्यादा होता है जब इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। तो
तो इसीलिए मिथाइल अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, और बेटा मिथाइल अल्कोहल के बाद इथाइल कम, प्रोपाइल और कम। तो अगर 1 डिग्री भी है सारे के सारे, तो जितना हल्का है उतना बेटर है, और एक 1 डिग्री, एक 2 और 1 3 है, तो 1 डिग्री की रिएक्शन ज्यादा है। क्लियर है? तो अल्कोहल की एच हटने वाली रिएक्शन यही है और कोई है नहीं। एक जबरदस्ती की रिएक्शन ये लिख रहा हूँ, छोड़ दो चाहे, अल्कोहल की रिएक्शन डाइएजोमीथेन से करें। मैंने इसलिए कहा छोड़ दो, ये खाली कॉम्पिटिशन लेवल में आई हुई रिएक्शन है, 12th में तो दूर दूर तक नहीं है, तो नहीं आएगी। अच्छा, कॉम्पिटिशन लेवल भी कुछ नहीं है, बस ये एक वर्ड अलग है, ये है डाइएजोमीथेन। तो ये थोड़ा सा वर्ड ऐसा है जिसकी वजह से इंटरेस्टिंग है ये। डाइएजोमीथेन जो होता है ना, वो CH2 फ्री रेडिकल या इंटरमीडिएट बनाता है कार्बीन के, N2 गैस निकल जाती है, और ये CH2 डायरेक्ट यहाँ आके जुड़ जाता है, और अगर ये CH2 यहाँ के जुड़ जाएगा तो ईथर बनेगा। तो बस इसलिए ये बताना है कि जहाँ एक स्लाइट लेवल अप होता है ना, और कहीं पूछ लेता है कोई कि हमें बताओ डाइएजोमीथेन से क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइएजोमीथेन CH2 N2 को कहते हैं, और यहाँ CH2 ग्रुप दूसरों से तुरंत रिएक्ट कर लेता है इसलिए। ठीक है, तो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, डाइएजोमीथेन, और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन है, ईथर बनते। ठीक है, डन। अगली रिएक्शन जो हमें पढ़नी है बच्चों, वो ये है कि अल्कोहल से OH ग्रुप हट रहा है, और होपफुली ये सारी रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं जितनी अब मैं पढ़ाने वाला हूं। ये OH ग्रुप हटना है और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यानी हेडिंग हो जाएगी बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड OH ग्रुप। कार्बन और OH ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटाइन। बच्चों इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटाइन। ठीक है, अब बेटा आपको याद अगर आ गया हो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 2 1, टर्शरी ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसलिए अब जितनी रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लिख लीजिए जल्दी से, हेडिंग रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज बिटवीन, किस किस के बीच की क्लीवेज है, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज बिटवीन एल्काइल एंड OH ग्रुप, जहां एल्काइल एंड OH है। ठीक है, एल्काइल एंड OH ग्रुप, फिर लिखे हैं इसमें डैश देखे, कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। बच्चों कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट की तरह बनता है, कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। और बेटा क्योंकि कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन की वजह से 3 2 1 कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी होता है, इसकी वजह से अल्कोहल की रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल है 3 degree 2 degree 1 degree, टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी है, फिर बेटा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है बेटा, अब बेटा इसकी सारी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, चेक करिए। पहले मैं सिंपल रिएक्शन बोल रहा हूँ, ये लिखा है अल्कोहल, अल्कोहल की अमोनिया से। बच्चों ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जो लास्ट चैप्टर में एल्काइल हैलाइड में आपने पढ़ी है, एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से, याद आया, एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से, उसे कहते थे हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस में क्या हुआ था, पहले प्राइमरी अमीन बना था, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर सॉल्ट भी। यहाँ सॉल्ट नहीं बनता, रीजन मालूम ही है कि अल्कोहल पानी से कम एसिडिक है, तो ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, सॉल्ट नहीं बना पाएंगे। तो ये इसका पहला प्रोडक्ट बन जाएगा प्राइमरी अमीन, और अलग हो गया वाटर, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, और अगर अल्कोहल एक्सेस में होगा तो सेकेंडरी और टर्शरी भी बनेगा। ठीक है, इफ अल्कोहल इज इन एक्सेस, तो ये आगे रिएक्ट करेगा अल्कोहल से और ये सेकेंडरी अमीन बनेगा, और फिर आगे अल्कोहल से रिएक्शन करके टर्शरी अमीन, बस यहीं तक, सॉल्ट नहीं बनेंगे। सॉल्ट बनाने के लिए थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर ज्यादा चाहिए होता है, उतना अल्कोहल में नहीं। बोलो बेटा, क्लियर हो गया पहली रिएक्शन क्लियर है? तो ये अल्काइल हैलाइड जैसी ही है, जैसे अल्काइल हैलाइड में मिक्सचर ऑफ अमीन्स बने थे,
तो यहां पे भी बच्चों आपको कहना है मिक्सचर ऑफ अमीन्स देखेंगे। सेकेंड रिएक्शन, ओके, सेकेंड रिएक्शन इज क्वाइट इजी आप लोगों के लिए। अगली रिएक्शन है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने की। क्या बनाना है? अल्कोहल से, तो ऑब्वियसली अल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी, तो ये तो पढ़ चुके हो, अल्काइल हैलाइड पूरे चैप्टर पढ़ चुके हो। हाँ भैया मनु बताइए, मनु बताओ बेटा कैसे बनाएंगे अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड? वेरी गुड, एक तरीका है PCl3, PCl5 या SOCl2 से रिएक्ट कर रहे हैं। अल्काइल हैलाइड में पढ़ चुके हो, बताना इन तीनों में कौन सा बेहतर है, PCl3, PCl5 या SOCl2? ठीक है, SOCl2 कहलाता है थायमिल क्लोराइड, वो तरीका बेहतर है। क्यों बेहतर है? गैसें जुड़ जाती हैं। वेरी गुड, क्योंकि जो गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे बाकी बाई प्रोडक्ट वो उड़ जाएंगे, सेपरेट नहीं करना पड़ेगा। इस मेथड का नाम क्या था? इसे कहते थे डार्जन मेथड, और याद करने के लिए कहा था टारगन कर, याद कर लो तो जल्दी याद हो जाता है। तो ये डार्जन या ड्रेजन व्हाटएवर वो मेथड था। तो एक तो ये हो गया, एक मेथड क्या हो गया कि अल्कोहल की रिएक्शन आप कर दीजिए। अगर आपने PCl5 से की है तो RCl, POCl3 और HCl। अगर आपने PCl3 से की है तो बस खाली बैलेंसिंग थोड़ी सी चेंज करने के बाद RCl और H3PO3 दिखेगा। और अगर आपने SOCl2 से की है, इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, जो इन तीनों में बेहतर है, तो आपको याद आ गया होगा RCl बनता है, HCl बनता है, SO2 बनेगा, और ये गैसेस उड़ जाएंगी। फिलहाल आखिरी वाला डार्जन मेथड था, डार्जन या ड्रेजन जो भी वर्ड है, डार्जन मेथड, और इट इज बेटर देन अदर टू बिकॉज इसमें बनने वाले बाई प्रोडक्ट गैसेस हैं तो वो उड़ जाएंगे, तो सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये मेथड बेटर है। तो अल्कोहल की रिएक्शन PCl3, PCl5, SOCl2, एक तरीका ये हो। दूसरा, अरे वेरी गुड, इसके अलावा दूसरा तरीका था हेलोजन एसिड से, ठीक है मैं इसे मिटा दूं, चलो लिख लो पहले आप लोग। दूसरा तरीका था बच्चों हेलोजन एसिड से। हेलोजन एसिड में क्या था कि अल्कोहल की रिएक्शन HX से कर दें, इन प्रेजेंस ऑफ कोई एजेंट होगा, जनरली डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, और ये RX और वाटर बनेगा, इट इज फॉर्म, इट विल फॉर्म RX एंड वाटर। चलिए मैं इसी को मिटा के लिख दे रहा हूं बेटा यहाँ पे RX और वाटर में। बेटा देखिए इसमें क्या था कि अगर आपने HCl लिया है तो इसके साथ HCl के साथ ZnCl2 लेंगे, ठीक है। अगर आपने HBr लिया है तो H2SO4, या फिर इसकी जगह आप ले सकते हैं KBr एंड H2SO4, और वो भी यही काम करेगा। अगर HBr नहीं है तो KBr एंड H2SO4, और अगर आपने Hi लिया है तो खाली हीट करना है, और अगर आपने Ki लिया है तो H3PO4 ले सकते हैं, है ना, क्लियर है। तो ये आपके पास लिखे हुए हैं पिछले चैप्टर में, मैंने रिपीट कर दिए हैं, और अब बस थोड़ा जल्दी जल्दी बस लिख दिया है कि आप रिवाइज कर लें, आपको दोबारा शुरू से मैंने लिखाया नहीं सब में क्या है। क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, बताइए बेटा, अब इधर से भी बोलो बॉयज में, बेटा बताओ पिछले चैप्टर हमने लिखा है कॉपी में कि एच आई जब लेते हैं तो खाली हीट करके काम हो जाता है, क्यों? वाई एच आई में कोई एजेंट नहीं चाहिए, हीट करके हो जाता है, क्या रीजन था? बोलो। नहीं, यहाँ का आंसर ये था कि एच आई इज हाईली एसिडिक इन नेचर, ये इटसेल्फ आयोनाइजेस टू एच पॉजिटिव आई नेगेटिव, और इसका एच पॉजिटिव अपने आप बन जाता है, किसी से बनवाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर है वीक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वेरी लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वेरी हाई एसिडिक कैरेक्टर, जो चाहे कह ले। तो एच आई एसिडिक ज्यादा है इसलिए, ठीक है। और जो आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो वो ये था कि एच टू एसओ फोर हम यूज नहीं करते एच आई के साथ, ठीक है। तो वहां आंसर है कि एच टू एसओ फोर का यूज ना तो एच सी एल के साथ होता है ना ही एच आई के साथ, क्योंकि वो HCl को भी Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है और Hi को भी I2 में, तो ये रहेंगे ही नहीं रिएक्ट करने के लिए न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में है, OH हटके Br आ रहा है, OH हटके Cl आ रहा है,
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है ये रिएक्शन, तो आपको ध्यान रखना है कि HI अपने आप न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, और सरल भाषा में इसे कह देते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और H2SO4 क्यों नहीं यूज करते, तो उसका आंसर था H2SO4 इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो HI को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और HCl को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, HCl से Cl2 बनाता है, HI से I2, और इनके बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल बचा ही जो सब्स्टिट्यूट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल हट जाता है, कोई डाउट? ठीक है, ये हो गई आपकी OH वाली, मेन दो ही रिएक्शन है OH में, दैट इज वन इज रिएक्शन विद फॉर्मिंग ऑफ हेलोएल्केन एंड अदर इज अमीन, तो हेलोएल्केन और अमीन दोनों हमने लिख लिए, डन। अगला है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, रिड्यूस करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो अगला हम मेनली ऑक्सीडेशन है तो वही पढ़ेंगे, अगली हेडिंग वाली ऑक्सीडेशन, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में क्या होगा कैसे होगा, नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडेशन। बच्चों ये प्राइमरी अल्कोहल पहले लिया मैंने, आप चाहे पूरा मत लिखिएगा, ये है प्राइमरी अल्कोहल चार कार्बन का, मैंने 1 डिग्री अल्कोहल चार कार्बन का लिया है जानबूझ के, और इसमें ऐड कर दिया सपोज KMnO4, ठीक है, कौन ऐड किया है, KMnO4, तो ये जो KMnO4 है चाहे ये एसिडिक मीडियम का हो चाहे ये एल्कलाइन मीडियम का हो, तो ये पहले इसे चार कार्बन के एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, चार कार्बन का अल्कोहल पहले काहे में चला गया, एल्डिहाइड, बट एल्डिहाइड में रिएक्शन रुकती नहीं है, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इस KMnO4 से, भाई KMnO4 तो बीकर के अंदर अभी भी प्रेजेंट है ना, तो ये KMnO4 के एसिड में चले जाते हैं, देन एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, तो ये जो चार कार्बन का अल्कोहल था बेटा वो चार कार्बन के एसिड में चला गया, इज इट क्लियर। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो प्राइमरी अल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड और सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा एसिड, ठीक है, मतलब ये मिलेगा नहीं तो मैं बीच में आइसोलेट नहीं हो पाता, आंसर वही होता है, बस बता रहे हैं तरीका जो है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल आपने लिया है यानी ये 2-ब्यूटेनॉल, मैंने चार कार्बन इसलिए लिए हैं बेटा चार कार्बन में तीनों अल्कोहल दिखा दूंगा आपको, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी टर्शियरी भी, अब सेकेंडरी अल्कोहल अगर लेंगे और KMnO4 ऐड करेंगे तो ये कीटोन बनेगा जो कि चार ही कार्बन का होगा, यहाँ कीटोन बनेगा बच्चों और ये चार कार्बन का है, मतलब पहले प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर हो गया, प्राइमरी से क्या बना एल्डिहाइड और सेकेंडरी से क्या बना कीटोन, ये स्टेबल होता है तो ये आइसोलेट कर लोगे, यानी कीटोन KMnO4 से इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो अगर इसे ऑक्सीडाइज कराना है तो यहां हम लिख देते हैं एलिवेटेड कंडीशन, एलिवेटेड कंडीशन समझ में आती है ना आपको, कि ये स्टेबल है और इसको थोड़ा सा एलिवेट यानी हाई टेम्परेचर दे दिया, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये यहां से टूटता है बॉन्ड, ध्यान से देखिएगा कहां से टूटता है बॉन्ड, यहां से टूट रहा है और दोनों तरफ दो दो कार्बन इस समय दिख रहे थे तो दो कार्बन का एसिड बन गया, ध्यान से देखिए बोर्ड पे बेटा क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप के इधर और इधर अलग अलग एल्काइल ग्रुप थे, एक तरफ एक कार्बन का था एक तरफ दो कार्बन का था, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगे होंगे एक तरफ एक, एक तरफ दो, एक हल्का एक भारी, तो भारी वाले को अलग करना है, हल्का वाले ग्रुप के साथ CO ग्रुप अटैच रहेगा, CO ग्रुप किसके साथ अटैच मानोगे, हल्के के साथ, भारी वाले ग्रुप को अलग करेंगे, ये अपने जितने भी कार्बन है उतने कार्बन का एसिड, ये अपने जितने कार्बन है उसका एसिड, यहाँ भी दो कार्बन है यहाँ भी, इसलिए ये आया, ये वाला जो रूल है इसको हम दोबारा अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इसे कहते हैं पॉपॉफ्स रूल, पॉपॉफ्स रूल कह लो या जनरल भाषा में पिताजी का रूल है, ये पिताजी क्या है, पॉप्स रूल ही तो आ रहा है, पॉप्स पापू का नियम क्या आ रहा है, पिताजी का नियम ये आ रहा है, अगर तुमने बंटवारा करा, बंटवारा अगर करोगे तो मैं छोटे के साथ जाऊंगा, जेरे पिताजी जेरा छोटा जेरा बड़ा, बंटवारा अगर होगा तो अलग किसे किया जाएगा, बड़े को अलग किया जाएगा और पिताजी किसके साथ अटैच रहेंगे,
छोटे के साथ रहेंगे, तो इसे फनी टोन करके याद कर लेंगे तो आसानी से याद होगा। अभी तक दो पॉइंट हुए, फिर से सुनो बेटा। प्राइमरी अल्कोहल KMnO4 या K2CR2O7 के साथ ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड देता है, लेकिन ये एल्डिहाइड तुम्हें नहीं मिलेगा, ये स्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये KMnO4 K2CR2O7 इन्हीं कंडीशन में इस एल्डिहाइड को तुरंत ऑक्सीडाइज करके एसिड दे देगा, तो एल्डिहाइड मिलेगा नहीं, एसिड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल से पहला प्रोडक्ट तो मिल जाएगा कीटोन, लेकिन कीटोन स्टेबल है, ये इन कंडीशन में आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो आपको एलिवेट करनी पड़ेगी कंडीशन, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ और चीजें, और तब ये टूट के एसिड बनेगा। और यहाँ एसिड बनने के लिए एक रूल हो सकता है जिसका नाम मैंने बताया पॉपऑफ रूल है, और वो पॉपऑफ रूल कह रहा है कि अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है, बेटा अनसिमेट्रिकल का मतलब समझते हो ना, इसके इधर और इधर ग्रुप अलग अलग हो तो अनसिमेट्रिकल, अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो ड्यूरिंग द क्लीवेज बिगर और हैवियर एल्काइल ग्रुप विल मूव अपार्ट, या कार्बोनल ग्रुप रिमेन अटैच विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, छोटे के साथ रहेगा कार्बोनल, बड़ा वाला अलग होगा। डन बच्चों, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन और मुश्किल से होता है ड्यू टू बल्की नेचर, ये बहुत बल्की है, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप KMnO4 लेंगे तो यहीं पे हम एलिवेटेड कंडीशन लगा देंगे, और जो मैंने इस समय दिखाया है उस हिसाब से ये कीटोन तो बन जाएगा, लेकिन ये कीटोन कम कार्बन का बनेगा। बेटा क्यों कम कार्बन का बनेगा? कार्बन की वैलेंसी तो चार ही है ना, पांच तो हो नहीं जाएगी, और जब यह आप इसको ऑक्सीडाइज करने चाहेंगे तो इस कार्बन पे कीटोन लाने के लिए एक एल्काइल को हटना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्टेबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे शुरू में ही लिख दिया एलिवेटेड कंडीशन, तो ये KMnO4 से एलिवेटेड कंडीशन पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन एलिवेटेड पे होगा मतलब मुश्किल से होगा, और कार्बन क्या हो जाएंगे? कम। अच्छा, कीटोन बन गया है तो मैं कीटोन बनाने के बाद यहाँ एक डॉटेड से एरो दिखा दे रहा हूँ, अरे कीटोन तो ये भी था, जैसे ये आगे एसिड में गया है ये भी कीटोन बन गया, कहां से बना इससे क्या लेना देना, अगर कीटोन बन गया तो आगे एसिड में चला जाएगा। यहाँ पॉपऑफ टूल की फिलहाल जरूरत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी जरूरत? क्योंकि ये सिमेट्रिकल कीटोन है, इसके इधर भी एक ही है, इधर भी एक ही है, कहीं से तोड़ दो एक ही आंसर आ रहा है। क्या बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर दिख गया? तो एक पॉइंट इसके इन सब पढ़ने से रिजल्ट में पहला पॉइंट आया ईज ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या ईज ऑफ ऑक्सीडेशन आपको ये क्लियर है? व्हाट इज द ईज ऑफ ऑक्सीडेशन? कौन सा अल्कोहल जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा देर में? तो प्राइमरी अल्कोहल जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, सेकेंडरी मुश्किल से, तृतीय और मुश्किल से। तो एक पॉइंट तो यहां से ये निकला बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या निकला? प्राइमरी अल्कोहल से उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड और उतने ही कार्बन का एसिड, मतलब सेम कार्बन। एक सेकेंड बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल से कार्बन उतने ही रहे लेकिन कीटोन बन गया, तो अंतर हो गया ना आपस में, कार्बन उतने ही रहे और कीटोन बन गया, वहां तो एल्डिहाइड बना, यहाँ कीटोन, तो ये सेकेंडरी है। टर्शियरी अल्कोहल में कीटोन बना, अच्छा कीटोन इसमें ही बना लेकिन अंतर हो गया, यहाँ कार्बन कम हो गए, ज्यादा कहां से आ गए? ओ बेवकूफ, यहां से यहां कंपेयर कर रहे हैं, यहां जितने कार्बन थे उतने ही हैं और यहां से जितने कार्बन है उससे एक कम हो गया। अब ये कौन सा तरीका? बोले कार्बन ज्यादा हो गए। पूछा कैसे ज्यादा हो गए? बोले देखो यहाँ चार है, यहाँ तीन है, यहाँ यहाँ है, ऐसे थोड़ी यार ज्यादा कम हो गए, मतलब सेम उसमें, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, ये चार से चार कार्बन का बन रहा है, ये चार से तीन कार्बन का बन रहा है। अब क्या कहना चाहते हो? इससे ये ज्यादा, ये थोड़ी बात थी। बोले हम अपनी बात सब से प्रूफ करा के दिखाएंगे हमने क्यों कहा। अब पूछिए दिव्यांश जी, क्या पूछ रहे? सर जो सिमेट्रिकल कीटोन है सर, उसका जो ऑक्सीडेशन होगा तो सर कंपाउंड्स का बनेंगे, समझ में नहीं आया। तो अलग अलग बन जाएंगे, एक जैसे यहाँ पे एक दो कार्बन का एसिड बनेगा, एक एक कार्बन का, अब वो आगे एसिड चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि एक कार्बन का एसिड अनस्टेबल होता है, वो CO2 वाटर में ही चला जाता है, मतलब फॉर्मिक एसिड CO2 वाटर। बोलो बच्चों क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं डाइक्रोमेट प्रोसेस। डाइक्रोमेट का मतलब समझ में आ गया, K2CR27 या KMnO4 मिटा दूं। ठीक है, तो आपने रिजल्ट लिख लिए होंगे, इसके दो रिजल्ट आ गए हैं। एक रिजल्ट इससे आया कि
1 degree alcohol is more reactive than 2 degree than 3 degree towards oxidation. Oxidation में बच्चों 1 degree ज्यादा reactive है, फिर 2 degree है और फिर 3 degree है. और दूसरी चीज यहां से ये आई है कि हम तीनों अल्कोहल में अंतर कर सकते हैं. अगर हमें पता लगा कि 4 कार्बन का अल्कोहल लिया गया था और उससे कीटोन बना है, तो हमारे दिमाग में आएगा कीटोन बना है तो या तो 2 है या 3 है. अगर कीटोन उतने ही कार्बन का बना है तो 2 डिग्री है, और अगर कीटोन कम कार्बन का बना है तो 3 डिग्री. इसके अलावा भी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकते हैं बेटा. उस प्रोसेस को हम कह देते हैं डिहाइड्रोजिनेशन. ये वाला वर्ड थोड़ा सा अलग है, ऑक्सीडेशन ही है वैसे तो, लेकिन ध्यान रखिएगा डिहाइड्रोजिनेशन. बच्चों ये कराया जाता है विद रेड हॉट कॉपर एट 573 केल्विन. विद रेड हॉट कॉपर एट 573 केल्विन, 300 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हो आप. रेड हॉट कॉपर एंड 573 केल्विन. बच्चों ये प्राइमरी अगर अल्कोहल हो, वही 4 कार्बन का लिख देता हूं मैं, 4 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल हो, रेड हॉट कॉपर ले लें, 573 केल्विन ले लें, तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड बनता है. 4 कार्बन का आपने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया और 573 केल्विन एंड रेड हॉट कॉपर ले लिया तो ये कीटोन बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा और दिमाग लगा सकते हैं. फिलहाल अभी बेसिक यही याद रखें कीटोन. और जिसकी वजह से इसे अलग से दोबारा लिख रहा हूं वो ये रिएक्शन है, वो है टर्शरी. बेटा टर्शरी में ना एकदम अलग है ये, है जरा ध्यान रखिएगा. टर्शरी को मैं थोड़ा सा रुक के भी बोल रहा हूं, ये है टर्शरी अल्कोहल. और जब इसकी रेड हॉट कॉपर से रिएक्शन करते हैं एट 573 केल्विन, तो बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन होने की जगह डिहाइड्रेशन हो जाता है. ठीक है, आप बेटा जरा कॉमन सेंस लगाइएगा. यहां से एक एच हटा था, यहां से एक एच, तो डबल बॉन्ड ओ बन गया एल्डिहाइड. एक एच यहां से हटा, एक एच यहां से हटा, डबल बॉन्ड ओ कीटोन बन गया. अब यहां पे एच है ही नहीं तो अब कीटोन तो बन नहीं सकता. तो यहां पे रेड हॉट कॉपर के साथ पूरा OH हटता है, पड़ोस से एक H हटता है, पूरा OH और पड़ोस से H, और ये एल्कीन बनेगी. और मैंने देखा है अधिकतर बच्चे इसका आंसर गलत कर देते हैं. जब ये वो थोड़ा साइक्लिक बना के दे देते हैं और कहते हैं करो, तो एल्कीन नहीं बना पाते. तो आपको एल्कीन बनानी होगी टर्शरी अल्कोहल से और वाटर निकाल के. तो पॉइंट करके आप क्या लिखेंगे बेटा कि विद रेड हॉट कॉपर एट 573 केल्विन primary alcohol gives aldehyde, secondary alcohol gives ketone, while tertiary alcohol gives alkene. ठीक है, लेकिन ध्यान रखना tertiary alcohol में बेटा dehydration होगा ना कि dehydrogenation. D का मतलब निकलना, hydrogenation का मतलब hydrogen का निकलना, और dehydration का मतलब हुआ water का निकलना. डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ पानी निकलना. क्यों हुआ पानी का निकलना, एक सेकंड बेटा बता रहा हूं. क्योंकि आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, अगर ये वाला H निकला है तो इस कार्बन का थोड़ी कुछ निकला है, ये H तो ऑक्सीजन का निकला है. और अगर कार्बन की वैलेंसी खाली होगी तब ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बनाएगी, कार्बन के पास तो एच है ही नहीं. कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड में कैटिनेशन है तो वो रेड हॉट कॉपर तोड़ नहीं पा रहा. तो जब कार्बन कार्बन बॉन्ड रेड हॉट कॉपर से नहीं टूट पा रहे और हम रिएक्शन भी करा रहे हैं, तो रिएक्शन में पाया गया कि यहाँ का H और यहाँ का पूरा OH निकल जाता है. और अब इनके बीच में, क्योंकि इसका एक एटम हटा है, इसका एक ग्रुप हटा है, दोनों की वैलेंसी ओवरलैप करके एल्कीन बना लेती है. तो रेड हॉट कॉपर से सी सिंगल बॉन्ड की क्लीवेज नहीं हो पाती, इसलिए ऐसा हुआ. अब पूछो बेटा दिव्यांश. सर जो एल्डिहाइड है आगे, हाँ तो सर उसमें मतलब उसका नहीं होता ऑक्सीडेशन रेड हॉट कॉपर से. बेटा ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीडेशन बेसिकली प्रोसेस, इसीलिए वर्ड हटा के मैंने बोला है, बुक में भी हटा हुआ है. जनरली एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज इनटू एसिड. ठीक है, लेकिन बेटा जरा कॉमन सेंस लगाना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन.
कोई ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, इससे कोई ऑक्सीजन देगा तो एसिड में जाएगा ना आगे मेरे भाई। इससे अगर मैं एसिड बनाना चाहता हूं तो कोई ऑक्सीजन तो दे, जबकि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो हाइड्रोजन निकालने का हो रहा है। तो रेड और कॉपर क्या हाइड्रोजन निकाल के क्या एसिड बना देगा? इसे नहीं बनाएगा। तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाती है और इसीलिए ये रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। इवन IIT ने एक क्वेश्चन देके पूछा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में अंतर करना है, तो आंसर ये रेड हॉट कॉपर टिक हुआ। क्यों? क्योंकि पहले ये एल्डिहाइड बन गया कीटोन, और एल्डिहाइड ना टोलन सीएन से रिएक्ट करके सिल्वर मिरर यानी टेस्ट देता है, जबकि KMnO4 से अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो सिल्वर मिरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? KMnO4 से जब ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकेगी नहीं, वो भी एसिड बन जाएगा, वो भी एसिड बन जाएगा, तो टोलन सीएन वाला टेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए थे और रेड हॉट कॉपर टिक कराया। फिलहाल अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ यही एंड प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि रेड हॉट कॉपर का काम हाइड्रोजन निकालना है, ऑक्सीजन सप्लाई करना नहीं है, और ये हाइड्रोजन दूसरे के खींच के ऑक्सीडाइज करता है। क्लियर? अगला देखें ऑक्सीडेशन में। ठीक, अब उन्होंने एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है जिसका नाम शायद लास्ट चैप्टर में भी हमने बोला होगा, दैट इज PCC। ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम है PCC, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट कहते हैं। तो ये करता क्या है, ये जो अल्कोहल है स्पेशली ये वाले अल्कोहल, दिख गया बेटा कौन से अल्कोहल, कौन से अल्कोहल जिसमें डबल बॉन्ड है। अब हम डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, तो PCC एक अच्छे एजेंट हैं जो डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करते और अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं। तो वी यूज PCC टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल टू, मतलब प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बेटा, सेकेंडरी है तो कीटोन, टर्शरी नहीं होंगे। बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है PCC में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटो, प्राइमरी से एल्डिहाइड। NCERT में एक क्वेश्चन है, अभी देख के बता देंगे, ये ऐसा क्वेश्चन करके है, यहाँ OH लगा है और PCC कहा है, तो ऑब्वियसली आपको खाली ये डबल बॉन्ड O करना है। ठीक है, वो अभी क्वेश्चन देखते हैं एग्जैक्ट क्या है। फिलहाल PCC पीछे किसी डबल बॉन्ड को चेंज नहीं करेगा, ये याद रखना है। पाइरिडीन, पाइरिडीन वर्ड होता ना, पाइरीन, पाइरिडीन, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट इन मतलब इसके साथ लिया जाता है CH2Cl2 इसकी प्रेजेंस में, NCH2Cl2। लेकिन उस CH2Cl2 को अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सॉल्वेंट तो आप बदल भी सकते हैं, कोई भी नॉन पोलर कोई और सॉल्वेंट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है अगली रिएक्शन आपको याद आ जाए, मुश्किल है वैसे। दैट इज कौन सी है बेटा? हाँ नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी को करता है, टर्शियरी को नहीं करता, नहीं टर्शियरी को करता ही नहीं, बहुत वीक रिएजेंट है उस हिसाब से। हाँ बेटा, अगली रिएक्शन कोई बच्चा गेस करेगा कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है, एक्चुअली हेलोजन से भी ऑक्सीडेशन हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में, सेकेंडरी का कीटोन में। याद आया? नहीं याद आया। अगली रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। आई होप सो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है और ये दूसरी बार आ रही है, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में तीसरी बार आएगी और फिर एसिड में चौथी बार आएगी। शायद याद हो तो लिख के दिखाएं। करी हेलो फॉर्म रिएक्शन। चलिए, हेलो फॉर्म रिएक्शन का पहला पॉइंट ये होता है, मतलब पूरी रिएक्शन जब पढ़ते हैं, कि इसमें ऐसा अल्कोहल होना जरूरी है जिसमें CH3CHOH हो, यानी जिस कार्बन पे OH लगा है उससे पिछले कार्बन पे गारंटेड CH3 ही होना चाहिए। यानी अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट दे सकता है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में यहाँ H ही होना चाहिए, दैट इज इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल।
तो सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट देता है इथेनॉल, और बाकी कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है बेटा जिसके यहाँ आर लगा हो। तो अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट देगा विच इज इथेनॉल। तो पहला पॉइंट हो गया दिस रिएक्शन इज गिवन बाय अल्कोहल हैविंग दिस ग्रुप अमंग प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथेनॉल कैन गिव दिस टेस्ट वाइल अमंग सेकेंडरी अल्कोहल मिथाइल इथेनॉल टाइप या मिथाइल दिस अल्कोहल गिव्स दिस टेस्ट। अब रिएक्शन क्या है इतने के बाद याद आ गई हो, इतना पढ़ने के बाद रिएक्शन याद आ गई हो, लिख लिया किसी बच्चे ने? अच्छा ये बेटा पिछले चैप्टर का है, मतलब मैंने हेलो एल्केन में थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ाया था एक लास्ट लेक्चर जिसमें हेलो फॉर्म भी थी वो है। बेटा इसकी शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन आप ये कहेंगे कि ये रहा हमारा इथाइल अल्कोहल, इसकी किसी हेलोजन और NaOH से रिएक्शन करें, और इसमें जो ये वाला कार्बन है ना, सॉरी इससे पिछला कार्बन जिसमें CH3 था, वो वाला कार्बन जिसमें CH3 था वो CHX3, और इसे कहते हैं बेटा हेलो फॉर्म में चला जाएगा NaX और वाटर ये बन जाएगा। ओहो सॉरी एक मेन प्रोडक्ट छोड़ दिया मैंने, दो कार्बन में से एक यहां गया और बचा हुआ एक कार्बन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड साथ में NaX और वाटर। ये प्लस प्लस करके लिखने हैं, वो कैमरे में नहीं आते इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो ये चार प्रोडक्ट बनेंगे। कल आप लोगों टेस्ट ले लें, बोलो पी ब्लॉक तो है ही, पी ब्लॉक जो पढ़ रहे हैं कल, मतलब इस बैच का भी टेस्ट लेना ही है ना मुझे, तो कौन से टॉपिक का टेस्ट इस बैच वालों के लिए? अल्कोहल फिनॉल ईथर यहाँ तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ये या अल्काइल हैलाइड भी और अल्कोहल भी? सर दोनों चैप्टर का ले लीजिए, दोनों चैप्टर ना बताइए। चलिए ऐसा करते हैं क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, ठीक कह रहे हैं, नहीं मुझे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कल का जो आपका टेस्ट होगा वो अल्कोहल फिनॉल ईथर की IUPAC, ईथर तो नहीं सॉरी अल्कोहल फिनॉल की IUPAC और रुक जाओ बेटा, अल्कोहल फिनॉल की IUPAC और अल्कोहल फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टी जहां तक हो चुकी है ये सारी, ठीक है। तो ये होगी हेलो फॉर्म, अभी रुक जाओ जहां कहा अभी तो मेरे में 10 मिनट लेके आ रहा है, ठीक है सर ऑफलाइन लीजिएगा। सर म्यूट हो गए आप। कल टेस्ट होगा, ठीक है, कल अपने बैच के टाइम पे टेस्ट हो जाएगा।